दूर किसी जंगल में काफी सारे पक्षी रहते थे, पर उन पक्षियों में आपस में एकता नहीं था। ये सब पक्षी आपस में एक दूसरे से लड़ते ही रहते थे। और इन सब के पीछे कालू कौवे कहाँ था, क्योंकि कालू कौवे को पक्षियों को लड़वाने में बहुत मजा आता था। जब तक कालू कौवा पक्षियों की लड़ाई न करवा दे, कालू कौवे के मन में तो चैन नहीं आता था। इसी तरह आज भी कालू कौवा पक्षियों को लड़वाने के बारे में सोच रहा था। बहुत दिल चाह रहा है मेरा आज तो कि मैं पक्षियों को आपस में लड़वाऊं। चलो जाकर पक्षियों को लड़वाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा जंगल में घूम ही रहा था कि कालू कौवा दिखता है कि तोता और बुलबुल आपस में बैठे बातें कर रहे थे। बस फिर क्या था, कालू कौवा उन दोनों की लड़ाई करवाने उन दोनों के पास आता है। तोते बुलबुल, मैं तुम दोनों को एक बात बताना चाहता हूँ। कल जब मैं शाम को मीनू चिड़िया के घर पर गया तो मीनू चिड़िया ने मुझसे कहा कि तुम दोनों में से कोई एक बहुत ज्यादा बेवकूफ है जिसमें बिल्कुल भी अकल नहीं। ना जाने तुम दोनों में से मीनू चिड़िया किसको बेवकूफ कह रही थी। अच्छा, तो फिर बुलबुल को ही कह रही होगी मीनू चिड़िया बेवकूफ, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा अकलमंद हूँ। मीनू चिड़िया मुझे अच्छे से जानती है। क्या मतलब है तुम्हारा तोते कि मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आ रही हूँ? सरा अपने आप को गौर से देखो, कितने बड़े बुद्धू हो तुम। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, पर चलो बता ही देती हूँ अब कि तुम्हारी पत्नी ने मुझे सब बता दिया कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। नहीं हूँ मैं बेवकूफ। बुलबुल, तुम अपनी जबान संभाल कर बात करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओए बेवकूफ तोते, सारा मुझे गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे बेवकूफ तोतों को तो मैं अच्छे से मार लगाना जानती हूँ। तुम मारोगी मुझे है, तुम मारोगी। अरे बुलबुल, तुम मुझे मारना तो दूर की बात, बल्कि छू भी नहीं सकती। जो भी हो तोते, पर सबसे बेवकूफ तुम हो। क्यों कालू कौवे? वो मुझे नहीं पता, पर मीनू चिड़िया तुम दोनों में से ही किसी एक को बेवकूफ कह रही थी। वो तो मीनू चिड़िया इसे ही कह रही होगी, क्योंकि बुलबुल तो होती ही बेवकूफ है। बस तोते, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म। और हाँ, आज शाम को जो तुम मेरे घर पर दावत में मजे मजे के भोजन खाने आ रहे थे ना, आने की कोई जरूरत नहीं है मेरे घर पर। तुम जैसे बेवकूफ तोतों को दावत पर बुलाने से बेहतर है कि मैं किसी गरीब पक्षी को भोजन खिला दूँ। कम से कम मुझे दुआ तो मिलेगी। अब तो तोता और बुलबुल के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, और कालू कौवा तो ये देखकर मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। बाप रे, कितना बड़ा झगड़ा करा दिया मैंने, कितना मजा आ रहा है मुझे तो। अब लगता है तोता और बुलबुल आपस में कभी भी बात नहीं करेंगे। उन दोनों का झगड़ा कराकर कालू कौवा फौरन वहां से चला जाता है। इस तरह कालू कौवा जंगल के और पक्षियों की भी आपस में लड़ाई करवाता था। इस तरह कालू कौवे को बहुत ज्यादा आनंद मिलता था। लड़ते रहो, क्योंकि मेरा काम है लड़वाना। जब तक मैं हूँ इस जंगल में, मैं जंगल में किसी भी पक्षी को एक दूसरे का दोस्त बनने दूंगा ही नहीं। पक्षियों की इस लड़ाई झगड़े की वजह से मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा परेशान थी, और उससे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वे पक्षियों को किस तरह समझाए। दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस कहानी को एक लाइक जरूर कर दें। जंगल के पक्षियों को आखिर कौन समझाए कि लड़ना कितनी बुरी बात होती है? अब अगर ये लड़ाई झगड़ा दूसरे जंगल के पक्षी देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? कुछ तो करना होगा मुझे, पक्षियों को आपस में लड़ने से रोकना ही होगा, वरना हमारे जंगल को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ देर मीनू चिड़िया कोई उपाय सोचने लगती है, तो मीनू चिड़िया को एक उपाय मिल ही जाता है। मिल गया मुझे पक्षियों को समझाने का उपाय। अब देखो मैं पक्षियों को कैसे समझाती हूँ, फिर देखना वे कभी नहीं लड़ेंगे। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया पक्षियों के पास जाती है। मीनू चिड़िया, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तुम्हें पता है ना, जहाँ बुलबुल होती है वहाँ मुझे रहना बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ तो मुझे भी तुम जैसे गंदे तोतों के साथ बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। जल्दी बोलो मीनू चिड़िया, क्या बात है, वरना मैं जाती हूँ यहाँ से। पक्षियों, क्यों लड़ रहे हो तुम सब? चुप हो जाओ तुम सब और मुझे बोलने दो। मैंने तुम सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि आज शाम को मैंने तुम सब पक्षियों की अपने घर पर दावत रखी है, इसीलिए सारे पक्षियों को आज शाम को मेरे घर पर लाजमी आना है। कितने दिन हो गए हम सब पक्षियों ने मिलकर एक साथ भोजन नहीं खाया, इसी बहाने हम सब पक्षी मिलकर एक साथ भोजन खा लेंगे। और फिर मुझे तुम पक्षियों से एक बहुत जरूरी बात भी करनी है।
मैं तो नहीं आऊंगा मीनू चिड़िया, क्योंकि अगर तुम बुलबुल को बुलाओगी तो मैं नहीं आ सकता, मुझे माफ करना। हाँ मीनू चिड़िया, मैं भी नहीं आऊंगी, तुम इस गंदे तोते को ही बुला लो। देखो आना तो सब पक्षियों को पड़ेगा मेरे घर पर। अगर आज शाम को कोई भी पक्षी मेरे घर पर ना आया ना, तो याद रखना मैं उस पक्षी से कभी बात नहीं करूंगी। तोते तुम भी मेरी बात याद रखना, अगर तुम नहीं आए ना मेरे घर पर, तो याद रखना हमारी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। शाम होने को थी। मीनू चिड़िया के बुलाने पर जंगल के सभी पक्षी मीनू चिड़िया के घर पर आ जाते हैं। अब बोलो मीनू चिड़िया, क्या बात है, क्यों बुलाया है तुमने हमें यहाँ पर? तुम तो अपना मुंह बंद रखो तोते, हम यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनने नहीं आए। ये बहुत चल रही है ना तुम्हारी जबान बुलबुल, अभी देखो कैंची लाता हूँ और उस कैंची से तुम्हारी जबान ही काट देता हूँ। तोते बुलबुल, मैंने तुम दोनों को यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं बुलाया, मेरी बात सुनो तुम सब। मैं तुम सबको एक बहुत पुरानी बात बताती हूँ, जब मैं थोड़ी छोटी थी। एक दिन हुआ यूं कि मेरी माँ ने मुझे जंगल में भोजन ढूंढने के लिए भेजा, और मैं जंगल में इधर उधर भोजन ढूंढ रही थी, तभी मुझे एक जगह पर कुछ भोजन पड़ा हुआ दिखता है, और मैं उस भोजन को लेने के लिए उस भोजन के पास आती हूँ और बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ। पर तभी वहाँ पर एक तोता आता है जो मुझसे कहता है, ओ चिड़िया अभी के अभी यहाँ से जाओ, क्योंकि ये सारा भोजन मेरा है। इस सारे भोजन पर सबसे पहले मेरी नजर गई थी। तुम्हारी नजर गई थी तो क्या हुआ, पर इस भोजन के पास सबसे पहले मैं आई हूँ, इसीलिए ये सारा भोजन मेरा है। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ चिड़िया, मैंने कहा ना ये सारा भोजन मेरा है, अभी के अभी जाओ यहाँ से। बस हम दोनों की यूँ तूतू मैं चल रही थी कि तभी वहाँ पर एक कौवा आ जाता है जो हमसे यूँ कहता है, अरे क्या हुआ क्या हुआ भाई, तुम दोनों क्यों लड़ जा रहे हो, मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम दोनों की कोई मदद कर सकूं। देखे ना कवि भाई, इस भोजन के पास सबसे पहले मैं आई थी, और ये तोते भाई आकर कह रहे हैं कि ये सारा भोजन इनका है। हाँ पर कवि भाई, इस भोजन पर सबसे पहले मेरी नजर गई थी, इसीलिए ये भोजन तो मेरा हुआ ना। तो ऐसी बात है, इसका फैसला देखो मैं अभी करता हूँ। फिर पता है पक्षियों के वे कौवा क्या करता है? नहीं मीनू चिड़िया बताओ ना आगे वे कौवा क्या करता है। फिर वे कौवा वहाँ पर एक तराजू लेकर आता है, और उस तराजू पर आधा आधा भोजन तोलने लगता है। अरे इस तरफ तो भोजन ज्यादा है, मैं इधर का थोड़ा भोजन खा लेता हूँ ताकि इधर का भोजन थोड़ा कम हो जाए। फिर क्या, उस कौवे ने इधर से थोड़ा सा भोजन खाया तो फिर उधर से भोजन ज्यादा हो गया। ये देखकर कौवा फिर से बोला, ये क्या अब उधर का भोजन ज्यादा हो गया, लगता है उधर का भोजन भी खाना पड़ेगा। इस तरह वे कौवा जाकर उधर का थोड़ा भोजन खाता है तो फिर इधर का भोजन ज्यादा हो जाता है। बस इस तरह करते करते वे चला कौवा सारा भोजन खा गया था, और हम दोनों के हाथ कुछ न लगा था। भोजन खाते ही वे कौवा वहाँ से भाग गया था, और तोते और मुझे तो कुछ नहीं मिला था। तो देखा दोस्तों आप सबने, उस चलाक कौवे ने हम दोनों की लड़ाई का फायदा उठाया और हमारा सारा भोजन खा गया वो। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें आपस में कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वरना कोई तीसरा आकर इस बात का बहुत फायदा उठाता है। तो पक्षियों, क्या इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आप सब एक दूसरे से माफी नहीं मांगेंगे? बुलबुल मुझे माफ कर दो, तुम मुझे माफ कर दो बस, मैं जान गया हूँ कि लड़ाई से कुछ नहीं मिलता बल्कि हमारा ही नुकसान होता है। तोते तुम मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी ना जाने तुम्हें कितना बुरा भला कहा। और हाँ कालू कावे, तुम, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ कि इस सब के पीछे सिर्फ तुम्हारा हाथ है, तुम लड़वाते हो ना पक्षियों को। हाँ मीनू चिड़िया मुझे माफ कर दो, तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे सबक मिल गया है कि लड़ाई से कुछ नहीं मिलता बल्कि हमारा ही नुकसान होता है। मीनू चिड़िया के समझाने पर सारे पक्षी मीनू चिड़िया की बात मान लेते हैं, और अब कोई भी पक्षी आपस में लड़ाई नहीं करता। सोनू चिड़े की कुछ ही महीनों पहले एक हादसे में मौत हो गई थी। बेचारी मीनू चिड़िया अब अकेली ही रहती थी। मीनू चिड़िया के दो अंडे भी थे। बस मेरे इन अंडों में से नन्हे पक्षी आने वाले हैं, और बेचारे सोनू चिड़े तो अपने बच्चों को भी नहीं देख पाए, मैं बहुत ज्यादा अकेली हूँ। मीनू चिड़िया बस हर समय अपने बच्चों के निकलने का इंतजार करती रहती थी। जब मेरे बच्चे अंडों में से निकल जाएंगे तो मैं उन्हें भोजन कहाँ से खिलाऊंगी, मुझे तो अपना कोई कारोबार शुरू करना होगा, परंतु मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तभी वहाँ पर उल्लू सेठ आ जाते हैं।
मीनू चिड़िया, मैं जानता हूँ कि तुम अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत परेशान हो। अगर तुम चाहो तो तुम अपना ये घर मुझे बेच सकती हो। तुम्हारा ये घर मुझे बहुत पसंद है। तुम अपना ये घर बेचकर कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर लेना। नहीं नहीं उल्लू सेठ, ये घर तो सोनू चिड़े की आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं बेच सकती। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है मीनू चिड़िया, परंतु ये घर जब भी बेचना हो तो मुझे बता देना। ये कहकर उल्लू सेठ वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। मीनू चिड़िया के अंडों में से दो प्यारे से बच्चे बाहर आते हैं। मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मामा मामा, मुझे बहुत भूख लग रही है, थोड़ा भोजन दे दो मुझे। अपने बच्चों की भूख का सुनकर तो मीनू चिड़िया उदास हो जाती है, क्योंकि मीनू चिड़िया के पास भोजन तो था ही नहीं। अब मैं क्या करूं, बच्चों को तो भूख लगी है, मैं इतनी जल्दी भोजन कहां से ढूंढ कर लाऊं। मीनू चिड़िया जंगल में काफी देर घूमती है, परंतु इसे कहीं भोजन नहीं मिलता। बस तभी अचानक मीनू चिड़िया को नहर के पास कुछ गंदम के दाने पड़े हुए दिखते हैं। मीनू चिड़िया खुशी खुशी जल्दी से वहां पर आती है। तभी वहां पर कालू कौवा भी आ जाता है। अरे अरे मीनू चिड़िया, सोचना भी मत कि ये भोजन तुम ले जाओगी, इस पर पहले मेरी नजर पड़ी थी, इसीलिए इसको तो मैं ही लेके जाऊंगा। कालू कौवा, मेरे बच्चे अभी अंडों से बाहर आए हैं और उन्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तुम ये भोजन मुझे ले जाने दो। बस बस मीनू चिड़िया, जाओ यहाँ से वरना एक लगाऊंगा। फिर मीनू चिड़िया परेशान होकर अपना घर बेचने का फैसला कर लेती है और उल्लू सेठ को अपना घर बेच देती है। अब मीनू चिड़िया अपना घर बेचकर अपने बच्चों के साथ घोंसले में रहने लगी थी। मीनू चिड़िया, सोनू चिड़िया, चलो जल्दी से भोजन खा लो। मीनू चिड़िया ने अपना घर बेचकर फलों का छोटा सा बाग खरीद लिया था और अब मीनू चिड़िया काफी ज्यादा मेहनत करती है और फलों को दूसरे जंगल में ले जाकर बेचती है। कुछ दिनों बाद कबूतर सारे पक्षियों को आवाजें लगा रहा था। अरे सुनो सुनो पक्षियों, मेरी बात सुनो, मैं अभी पहाड़ों की तरफ से आ रहा हूँ, वहाँ पर सारे बादल पानी पीकर काले काले हो गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कल ही हमारे जंगल में बहुत तूफानी बारिशें हो जाएंगी। तुम सब अपनी अपनी तैयारी कर लो, बारिश का कुछ नहीं पता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कबूतर। मीनू चिड़िया बारिश का सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि मीनू चिड़िया के पास रहने को कोई घर नहीं था। हाय रे, मैं इतनी जल्दी पक्का घर कहाँ से बनाऊंगी, मेरे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, वो तो बारिश में भीग कर मर जाएंगे। और तो और, मुझे अपने फलों को भी तो देखना है, कहीं वो बारिश से भीग कर खराब ना हो जाएं। मीनू चिड़िया ये सोच रही थी कि अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। हाय रे, ये क्या, आज ही बारिश शुरू हो गई, मेरे बच्चे, मुझे उन्हें बचाना होगा फौरन। ये कहकर मीनू चिड़िया फौरन अपने बच्चों के पास जाती है। मामा मामा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, अब मैं क्या करूं, कहां लेके जाऊं अपने छोटे छोटे बच्चों को। हाँ, कालू कौवे का घर काफी बड़ा है और बहुत मजबूत भी है, मैं अपने बच्चों को कालू कौवे के घर में छोड़ देती हूँ। बस फिर मीनू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर कालू कौवे के घर के पास चली जाती है। कालू कौवे, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, ये देखो मेरे बच्चे अभी कितने छोटे हैं, ये बारिश को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्या तुम मेरे बच्चों को अपने घर में रख लोगी। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मैं कोई भी काम मुफ्त में नहीं करता। अच्छा ठीक है कालू कौवे, ये लो तुम मुझसे 100 रुपए ले लो, परंतु मेरे बच्चों को अपने घर में रख लो। फिर मीनू चिड़िया अपने बच्चों को कालू कौवे के घर में छोड़कर अपने बाग की तरफ चली जाती है। बारिशें काफी ज्यादा तेज हो रही थी, कालू कौवे का घर भी हवा के कारण कमजोर हो गया था। बस फिर अचानक ही कालू कौवे के घर की छत टूट जाती है और बारिश का पानी घर के अंदर आने लगता है। अरे रे, ये बारिश तो मुसीबत ही बन गई, मेरे घर की छत टूट गई, अब क्या करूं मैं। कालू जी, मीनू चिड़िया के बच्चे भी हमारे साथ हैं, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मीनू चिड़िया के बच्चों को कुछ हो जाए और मीनू चिड़िया सारा इल्जाम हम पर लगा दे। अच्छा रानी, चलो दोनों बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाओ, हम जल्दी से बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। फिर कालू कौवा और रानी कौवी बच्चों को लेकर सुराख वाले पेड़ के अंदर आते हैं, जिसके अंदर बारिश का पानी नहीं आ रहा था। कालू जी, कितनी छोटी जगह है ये, यहाँ तो रहना बहुत मुश्किल है। अरे रानी, सारी जगह तो ये मीनू चिड़िया के बच्चों ने ले ली है, एक काम करता हूँ, इन बच्चों को पेड़ से बाहर निकाल देता हूँ, फिर अच्छी खासी जगह बन जाएगी। बस फिर कालू कौवा गुस्से में मीनू चिड़िया के दोनों बच्चों को पेड़ से बाहर निकाल देता है
और अब दोनों बच्चे तेज बारिश में भीग रहे होते हैं। सोनू चिड़िया बहुत कमजोर थी जिस कारण वे बारिश को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वे उसी समय मर जाती है। कुछ देर बाद बारिश भी रुक जाती है। मीनू चिड़िया काफी ज्यादा गुस्से में कालू कौवे के पास आती है। कालू कौवे, तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, फिर भी तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया। मेरी बेटी की जान ले ली तुमने। देखना कालू कौवे, एक दिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी और तुम पछताओगे बहुत। हाँ कालू जी, आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया मीनू चिड़िया के साथ। बेचारी कितनी परेशान है। रानी तुम चुप हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ भी मैं कुछ कर बैठूं। बस अब मीनू चिड़िया अपने मानो चिड़े के साथ ही रहती थी और मीनू चिड़िया ने मेहनत करके कुछ ही समय में अपना एक घर भी खरीद लिया था। कुछ ही समय के बाद अब मानो चिड़ा भी बड़ा हो गया था और अब मीनू चिड़िया के साथ कारोबार में मदद करवाता था। वहीं दूसरी तरफ राजू कौवा अब कालू कौवे के खेत की देखभाल करता था और अब कालू कौवा थोड़ा बीमार हो गया था। रानी तुम कहती थी ना कि मैंने मीनू चिड़िया के साथ गलत किया है तो मुझे उसकी सजा जरूर मिलेगी, परंतु देखो मेरा राजू कौवा मेरा खेत देखता है और उसने कितना बड़ा घर भी खरीद लिया है। ये बस थोड़ा सा बीमार हूँ मैं, परंतु मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कालू जी फिर भी मैं आपसे कहती हूँ कि आपको मीनू चिड़िया से एक बार तो माफी जरूर मांग लेनी चाहिए। बस करो रानी, मैं और वो भी मीनू चिड़िया से माफी मांगूंगा। ऐसा दिन तो कभी आएगा ही नहीं। अगले दिन कालू कौवा राजू कौवे से कहता है, अरे बेटा राजू, तुमने जो अपना एक बड़ा सा घर खरीदा है, हम उस घर में कब जाएंगे? हाँ पापा, हम आज जाएंगे उस घर में और आप मेरे साथ चलो, आपको मुझे कुछ दिखाना है। ये कहकर राजू कौवा कालू कौवे को अपने साथ ले जाता है। पापा ये घोंसला मैंने खुद बनाया है और अब से इस घोंसले में आप रहोगे। बेटा राजू ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तो तुम सबके साथ रहूंगा ना। नहीं पापा, आपने मीनू आंटी के साथ बहुत गलत किया है, आपको उसकी सजा जरूर मिलेगी और मैं ये नहीं चाहता कि आपकी सजा मुझे और मम्मा को भी मिले। इसीलिए आपसे हमारा अब कोई रिश्ता नहीं और अब से आप इसी घोंसले में रहोगे। अरे नहीं नहीं राजू, ऐसा मत करो, तुम मेरे बेटे हो, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। फिर राजू कौवा कालू कौवे को छोड़कर वहां से चला जाता है। कालू कौवा बहुत ज्यादा पछताता है और अब कालू कौवा बिल्कुल ही अकेला हो गया था। अगले दिन कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे राजू कौवे ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मेरा कोई परिवार नहीं, मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। कालू कौवे तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया था, परंतु मैं तुम्हें माफ करती हूँ। बस अब कालू कौवा सारी जिंदगी उसी घोंसले में अकेला रहकर अपनी जिंदगी गुजारता है और इस तरह कालू कौवे को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। दोस्तों, राजू कौवे ने कालू कौवे के साथ ठीक किया या फिर नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। रानी रात काफी हो गई है, मुझे अब बहुत नींद आ रही है, चलो अब सो जाते हैं। हाँ कालू जी, मैं भी दिन भर काम करके थक गई हूँ। चलो चलो बेटा राजू कौवे, तुम भी सो जाओ, तुम्हें कल सुबह स्कूल भी जाना है। फिर कालू कौवे का परिवार सो जाता है। आधी रात गुजर जाती है, सुबह होने ही वाली थी। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी, पूरे जंगल में पानी भर जाता है। कालू कौवा कहता है, अरे अरे मीनू चिड़िया, हमारे जंगल में तूफान आ गया है, अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे अब। कालू कौवे हम तो उड़ सकते हैं, परंतु हमारे घोंसलों में नन्हे नन्हे बच्चे हैं, वे कहाँ जाएंगे, उन्हें तो उड़ना भी नहीं आता है। पापा पापा मुझे बचा लो, मैं टहनी से नीचे गिर जाऊंगा, मुझे बचा लो। अरे रे राजू, तुम इतनी ऊपर टहनी पर कहाँ से बैठ गए, मैं तुम्हें अभी बचाता हूँ। रुको रुको कालू कौवे, मैं जाती हूँ, अभी राजू कौवे को नीचे लेकर आती हूँ। फिर मीनू चिड़िया फौरन राजू कौवे के पास जाती है। चलो राजू कौवे, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नीचे ले जाने आई हूँ। फिर मीनू चिड़िया राजू कौवे को अपनी पीठ पर बिठाकर नीचे ले जाती है। बस तभी एक बड़ी सी टहनी आकर मीनू चिड़िया के ऊपर गिर जाती है और मीनू चिड़िया के दोनों पर भी टूट जाते हैं। कालू कौवे मेरे दोनों पर टूट गए हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है अब मैं मर जाऊंगी।
नहीं मीनू चिड़िया, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती हो। बस कालू कवे की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया मर जाती है। उठो ना मीनू चिड़िया, उठो, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती हो। अरे अरे कालू जी, ये सोते सोते क्या बोल रहे हैं, उठ जाएं भाई, सुबह हो गई है। फिर कालू कवे की आँख खुलती है और कालू कौवा उठ जाता है। शुक्र है सपना था, सच नहीं था, वरना अगर सच होता तो क्या होता फिर। क्या हुआ कालू जी, आखिर क्या सपना देख लिया आपने जो आप इतने ज्यादा परेशान हैं? रानी, मैंने सपने में देखा कि जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और सब पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। मीनू चिड़िया मेरे बेटे राजू कवे को बचा कर लाई थी कि अचानक एक बड़ी सी टहनी टूट कर मीनू चिड़िया के ऊपर गिर गई और मीनू चिड़िया के दोनों पर टूट गए, जिस कारण मीनू चिड़िया मर गई थी। बस इतने में ही मेरी आँख खुल गई, लेकिन अगर ये सपना सच हो गया तो क्या होगा? सुना है सुबह के सपने सच हो जाते हैं, अगर ये सपना भी सच हो गया, नहीं नहीं, ये सपना सच नहीं हो सकता है। बाप रे, आपने तो बहुत बुरा सपना देखा है, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आपका सपना कभी सच नहीं होगा। रानी, मैं अपना ये सपना जाकर मीनू चिड़िया को बताता हूँ, देखता हूँ मीनू चिड़िया क्या कहती है। बस ये कहकर कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आकर मीनू चिड़िया को अपना सपना बताने लगता है। अरे रे कालू कवि, तुम तो एक सपने से डर रहे हो, और ये तो बस किसी ने ऐसे ही कहा है कि सुबह का सपना सच हो जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर मेरी किस्मत में मरना लिखा है तो मैं जरूर मर जाऊंगी, तुम मेरी किस्मत को नहीं बदल सकते। परंतु मीनू चिड़िया, हम सब पक्षी तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम हम सब पक्षियों की बहुत ज्यादा मदद करती हो। कालू कवि, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगले दिन जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, कालू कौवा गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान था। कितनी गर्मी हो रही है आज इस जंगल में, ना जाने क्या हो गया है, इतनी गर्मी तो पहले कभी नहीं हुई हमारे जंगल में। काश कि हमारे जंगल में बारिश हो जाए तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा और ये गर्मी भी दूर हो जाएगी। तोते, ये तुम बारिश की बातें मत करो, बारिश तो हमारे जंगल में कभी भी नहीं होनी चाहिए। क्यों ना हो भाई बारिश, बारिश में तो बहुत ज्यादा मजा आता है, जरूर होनी चाहिए आज बारिश। फिर कालू कौवा तोते को अपना सपना बताने लगता है, तो तोता कालू कवे से कहता है। कालू कवे, तुम तो पागल हो गए हो, सपने अपने कोई सच नहीं होते हैं, तुम्हें पता है मैंने कल सुबह सपना देखा था कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हो गया हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो क्या मैं अमीर हूँ? नहीं ना, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये सपने वगैरह कोई सच नहीं होते। कुछ देर के बाद जंगल में तेज हवाएं चलने लगती हैं और थोड़ी ही देर में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। हाय रे पक्षियों, ये तो वही तूफानी बारिश है जो मैंने अपने सपने में देखी थी, देखो देखो कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए। आप ठीक कह रहे हैं, ये बारिश तो और ज्यादा बढ़ रही है, और तो और तूफानी बारिश लग रही है मुझे तो। ये तूफानी बारिश की वजह से सब पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पक्षियों, हम सब पक्षियों के पास तो लकड़ियों के पक्के घर नहीं हैं, हम तो घोंसलों में रहते हैं, हमारे बच्चे तेज बारिश में भीग रहे होंगे। मैं क्या कहती हूँ, उल्लू सेठ का जो घर खाली पड़ा है, हम सब पक्षी अपने अपने बच्चों को ले जाकर वहाँ पर रख देते हैं, हमारे बच्चे बारिश से बचे रहेंगे। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, हम सब पक्षी तो इस तूफानी बारिश का सामना कर लेंगे, लेकिन हमारे मासूम छोटे बच्चे इस तूफानी बारिश का सामना नहीं कर पाएंगे। थोड़ी ही देर के बाद सभी नन्हे पक्षी उल्लू सेठ के पक्के घर में आ जाते हैं और बारिश से बच जाते हैं। मीनू चिड़िया, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम कुछ ना करो, तुम भी एक काम करो, जाकर नन्हे पक्षियों के साथ उल्लू सेठ के घर में रहो। नहीं कालू कवे, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम सब पक्षियों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ। बारिश काफी ज्यादा बढ़ जाती है, पूरे जंगल में हर तरफ पानी ही पानी भर जाता है, हवाएं भी तेज चल रही होती हैं, परंतु अचानक चग्गू पक्षी तेज हवा के कारण अपने आप को संभाल नहीं पाता
और नीचे पानी में आकर गिर जाता है। अरे पक्षियों, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं इस ठंडे ठंडे पानी में बह रहा हूँ, मुझे कोई पानी से बाहर निकालो। अरे चग्गू पक्षी, हम बचाएंगे तुम्हें, हम बचा लेंगे तुम्हें। बस तभी वहाँ पर भागा भागा कबूतर आता है और कबूतर पक्षियों से कहता है, मीनू चिड़िया, बहुत बुरी खबर है, उल्लू सेठ के घर की छत टूट गई है और उनके पूरे घर में पानी भर गया है। हाय रे, ये बारिश तो बहुत ज्यादा तेज होने लगी है। पक्षियों, मैं उल्लू सेठ के घर की तरफ जा रही हूँ, तुम सब पक्षी फौरन चग्गू पक्षी को बचाओ। अरे अरे मीनू चिड़िया, तुम अकेले मत जाओ, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। फिर कालू कौवा और मीनू चिड़िया फौरन उल्लू सेठ के घर की तरफ जाते हैं। अरे रे कालू कौवे, ये देखो पूरे घर में पानी भर गया है, हमें फौरन ही सब बच्चों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। बस तभी वहाँ पर कबूतर आता है। मीनू चिड़िया, सब बच्चों को फौरन मेरे घोंसले में लेकर चलते हैं, मैंने अपने घोंसले के ऊपर एक बड़ा सा छाता लगा लिया है। चलो मीनू चिड़िया, जल्दी से चलते हैं, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। बस फिर थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया और कालू कौवा सब नन्हे पक्षियों को लेकर कबूतर के घोंसले में आ जाते हैं। हाय रे कालू कौवे, मैं तो अपना अंडा उल्लू सेठ के घर में ही छोड़ आई, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया फौरन उल्लू सेठ के घर की तरफ चली जाती है। बस तभी ही तेज हवा में उड़ती हुई टहनी मीनू चिड़िया पर लगती है और मीनू चिड़िया नीचे पानी में गिर जाती है। अरे अरे पक्षियों, वो देखो मीनू चिड़िया पानी में गिर गई है, मीनू चिड़िया को बचाओ कोई। बस उसी समय बारिश भी रुक जाती है, कबूतर फौरन मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया को पानी से बाहर निकालता है। थोड़ी देर के बाद कालू कौवा और कबूतर जंगल से दूर मीनू चिड़िया को लेकर उल्लू वैजी के पास आते हैं। उल्लू वैजी, मीनू चिड़िया उठ क्यों नहीं रही, क्या इसे ज्यादा चोट आई है? हाँ कालू कौवे, वे टहनी बहुत ही तेजी में मीनू चिड़िया पर लगी थी, जिस कारण मीनू चिड़िया को काफी ज्यादा चोट आई है। लेकिन अगर आज के आज मीनू चिड़िया को होश ना आया तो मीनू चिड़िया मर भी सकती है। मीनू चिड़िया उठ जाओ मीनू चिड़िया, मेरा सपना पूरा मत करो, अगर तुम हमें छोड़कर चली गई तो हम पक्षियों का क्या होगा। बस तभी ही मीनू चिड़िया को होश आ जाता है और मीनू चिड़िया उठ जाती है। वाह वाह, मीनू चिड़िया को होश आ गया, मीनू चिड़िया को होश आ गया, मीनू चिड़िया ठीक हो गई। कालू कौवे, जिसके इतने ज्यादा अच्छे दोस्त हों उसे भला क्या हो सकता है। इस तरह मीनू चिड़िया को होश आ जाता है और मीनू चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें।